सुमन गिल भारतीय टीम के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी तो है ही, और लेकिन उनको लग गया है एक झटका हो सकता है भारतीय टीम के लिए, क्योंकि वो डाउटफुल हैं पहले गेम के लिए। अब क्यों है ऐसा? क्योंकि उनको टेस्ट पॉजिटिव किया है कोविड का, नहीं डेंगू के लिए, और इसलिए वो कुछ समय के लिए वो टीम से बाहर रह सकते हैं मेडिकल कारण के लिए, और उनके खेलने ना खेलने पर एक सवाल है। और अगर वो नहीं खेलेंगे तो आपका ईशान किशन या केएल राहुल में से कोई एक को उसकी जिम्मेदारी दे जा सकती है, क्योंकि थर्सडे को जब नेट्स हुआ था उसमें वो खेलते नहीं नज़र आए थे, और लगता है कि ईशान किशन या केएल राहुल में से कोई एक को वो जिम्मेदारी निभानी होगी जो पहला मैच होगा अगर वो ज़्यादा दिन के लिए बाहर नहीं रहेंगे तो। अभी तक तो ये है कि पहला मैच के लिए वो डाउटफुल हैं, आगे का मैच का अभी तक पता नहीं, पहला मैच का अभी वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे ये डाउट है। भारत का पहला जो ODI वर्ल्ड कप का मुकाबला है वो ऑस्ट्रेलिया के सामने है ये रविवार को, जहां वो चेन्नई में खेला जाएगा मुकाबला। भारतीय टीम चेन्नई पहुंच चुकी है और वहां पर जाकर अभ्यास में जुट चुकी है, ये आप खबर आपको दिया। सबसे पहले अभी आप देख रहे हैं क्रिकेट बता रहे हैं, मैं बता रहे हैं। अगर आपको वीडियो चाहो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।